अरे भाई क्या मुसीबत है, इतने पैसे लगाकर भी फिर भी जो है ना मज़ा नहीं आ रहा। दोस्तों मतलब ये है कि इस कंप्यूटर पर तकरीबन 1 लाख रुपया लग चुका है विदाउट ग्राफिक कार्ड। अभी इसमें ग्राफिक कार्ड की मज़ीद ज़रूरत है। बहरहाल इस पर उतना गेमिंग का मज़ा नहीं आ रहा। जितनी भी अच्छी गेम खेलना चाहें आप, उतना ही हार्डवेयर अच्छा होना चाहिए। जितने भी आप बड़े बड़े गेम्स खेलना अगर चाहें तो उसके लिए आपके पास एक तगड़ा कंप्यूटर, एक अच्छा एक हार्डवेयर होना ज़रूरी है, फिर ही जाके आप जो है एक गेम खेल सकते हैं। कोई ऐसा तरीका हो जिससे जो है हम जो है अपने नॉर्मल से किसी भी फ़ोन पर, किसी भी अपने टैबलेट पर, किसी भी टीवी पर, किसी भी लैपटॉप पर तगड़ी तगड़ी गेम्स खेल सकें। तो जी हाँ, अब ये तरीका आ चुका है। गूगल स्टेडिया नाम का एक प्रोजेक्ट है गूगल की तरफ से, जो कि काफ़ी कमाल की चीज़ है। मैं आपको बताऊंगा तो जैसे मैं हैरान रह गया था वैसे आप भी हैरान रह जाएंगे। इसकी हेल्प से क्या होगा कि आप जो है जितनी बड़ी गेम्स हैं, जो तगड़े तगड़े कंप्यूटर्स लाखों वाले कंप्यूटर्स में चलती हैं, जो गरीब बंदा तो ले ही नहीं सकता, वो वाली गेम्स आप अपने फ़ोन पर, अपने टैबलेट पर, आराम से फ़ोन पर, आराम से टैबलेट पर, आराम से जो है लैपटॉप पर खेल सकेंगे। कोई उसके लिए ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। कैसे पॉसिबल है? अब देखें, एक यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हैं, वो आप डायरेक्टली यूट्यूब ओपन करते हैं और स्ट्रीमिंग देखना शुरू कर देते हैं। कोई भी वीडियो अगर उसको डाउनलोड करेंगे तो टाइम लगेगा और काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी। इसी तरह से एक क्लाउड बेस स्ट्रीमिंग होगी। अब ये जो सारे सोर्सेज होंगे, तगड़े तगड़े कंप्यूटर्स होंगे जो ये गूगल के डाटा सेंटर में होंगे। मिसाल के तौर पर आपने फ़ोन पर जो है GTA 5 खेलनी है, पबजी खेलनी है Full HD में, Full 4K तक रेजोल्यूशन हो, इसके लिए सिर्फ आपको जो है मोबाइल फ़ोन चाहिए होगा और उस पर एक अच्छा इंटरनेट। बाकी सारी चीज़ें जैसे कि हार्डवेयर, ग्राफिक कार्ड वगैरह, सारी चीज़ें गूगल के डाटा सेंटर में होंगी। आपने जस्ट वो गेम को ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपने खेलना शुरू कर देना है। अब जो रिसोर्सेज सारे यूज़ हो रहे होंगे गूगल के डाटा सेंटर के यूज़ हो रहे होंगे, और हमें गेम जो मिल रही होगी मक्खन बहुत ही कमाल की मिल रही होगी। तो ये सारी चीज़ें क्लाउड बेस्ड स्ट्रीमिंग से जो है पॉसिबल हो रही हैं, जिस तरह से जो है जिसकी हेल्प से आप जो बड़ी अच्छी गेमिंग जो है आई मीन चबल से फ़ोन, और चबल से जो है जिस तरह से मेरे पास ये चबल सा एक फ़ोन है, इस पर भी आप GTA 5 खेल सकेंगे। और जितनी भी तगड़ी तगड़ी गेम्स है, एपेक्स लेजेंड है, और उसके अलावा पबजी है, जितनी भी हाई लेवल गेम्स हैं जिसके लिए आपको जो है 2-3 लाख रुपए लगाना पड़ता है, अच्छा कंप्यूटर बनाना पड़ता है, फिर जाके जो जो खेली जाती हैं वो आप नॉर्मली जो है किसी भी 5-10 हज़ार वाले फ़ोन टैबलेट में, उसके अलावा किसी भी चीज़ में खेल सकेंगे। अब ये सारी चीज़ें वर्क मैं आपको बता चुका हूँ कि इस तरह से करेंगी कि सारे रिसोर्सेज, जो सारी पावर यूज़ हो रही होगी वो सिर्फ़ गूगल के डाटा सेंटर में पड़े सिस्टम्स की यूज़ हो रही होगी, जिसमें ग्राफिक कार्ड वगैरह जो है AMD ने डिज़ाइन करके दिए हैं गूगल को, वो सारे यूज़ हो रहे होंगे। आपको सिर्फ अपने फ़ोन में एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, फिर या फिर अपने PC में खेलना चाह रहे हैं तो PC में अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो फिर जाके जो है आप बड़ी कमाल की जितनी चाहें और जो गेम चाहें आप जो है आसानी से खेल पाएंगे। उसके अलावा गूगल स्टेडिया की तरफ से एक जो है गेम पैड भी लॉन्च किया गया, जिसकी हेल्प से आप जो है बड़ी आसानी से उसको चाहे फ़ोन के साथ, PC के साथ, लैपटॉप के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप उसको कनेक्ट करके अपनी गेमिंग एंजॉय कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि गूगल स्टेडिया के बारे में आपको थोड़ा सा पता लग गया होगा, जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। आप वीडियो को तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।